التي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهج موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بن قاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہم نبی مکرم کے گھر محبوب ہیں. اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں میں شمار کیا. سرکار دو جہاں کی عظمت, آپ کی رفعت, آپ کی بلندی اور آپ کے حوالے سے ذات کبریا کا قرآن مجید میں آیت با آیت, سورہ بہ سورہ عظمتوں اور رفعتوں کا نازل کرنا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس پوری کائنات میں اللہ کو محمد کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا, ذات کبریا سرکار دو جہاں کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ ان کے بغیر نہ کائنات کا آغاز ہے اور نہ ہی ان کے علاوہ کائنات کی بقا ہے. محمد دنیا میں آئیں گے, محمد کا نور خلق ہوگا تو اللہ آسمان کو خلق کرے گا. جو کچھ بھی ذات کبریا نے اس پوری کائنات میں خلق کیا وہ سرکار کے تصدق میں خلق کیا, اور جو کچھ بھی اس کائنات میں باقی ہے وہ سرکار کی وجہ سے ہے. اور جب کوئی قطرہ اپنی حیات چاہتا ہو تو اسے سمندر کا حصہ بننا پڑے گا. جو چاہے کہ وہ بھی زندہ رہے تو اسے بھی سرکار کی ذات میں محو ہونا پڑے گا, ذوب ہونا پڑے گا, ذاب ہونا پڑے گا, جذب ہونا پڑے گا, حضرت کی ذات میں اترنا ہوگا اور اس لذت کو حاصل کرنا ہوگا جو ان کی ذات میں اترنے والوں نے حاصل کی. اولیاء الہی سے پوچھا جائے, صاحبان ریاضت سے پوچھا جائے کہ ان کی ذات میں اترنے کا حاصل و نتیجہ کیا ہے. عزیزان گرامی, اگر اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے, اور جب اللہ اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. سلوات بھیجے محمد آئے. سرکار دو جہاں کے علاوہ اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اور شاید اسی وجہ سے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو, اولونا محمد, آخرونا محمد, اوسطونا محمد, کلونا محمد. اگر تمہیں
जमाने की तब्दीली से मोहम्मद की तस्वीर देखनी है, अगर तुम्हें जमाने के बदलने से मोहम्मद की तस्वीर देखनी है तो जमाना तब्दील होगा, तकाजाए जमान के मुताबिक एक मोहम्मद अली की सूरत में आएगा, एक मोहम्मद हसन की सूरत में आएगा, एक मोहम्मद हुसैन की सूरत में आएगा। अगर मैं यूं कह दूं कि जो 250 साल आइम्मा अहले बैत की जिंदगी है, अगर वो सिर्फ सरकार की जिंदगी होती तो वही कुछ होता जो इन आइम्मा की जिंदगी में हुआ। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम ने हमें सरकार से वाबस्ता किया है, ये हम पर अल्लाह का एहसान है, हम उनकी उम्मत में से हैं, हम उनकी उम्मत में से हैं। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफास्त, आबरूए मां जनामे मुस्तफास्त। मुसलमान का अगर कोई मकाम है तो इस वजह से कि वो मोहम्मद का मानने वाला है। अगर सरकार दो जहां के बगैर कोई मुसलमान अपने आप को साहिब अजमत समझना चाहता है तो वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। और ये भी तय है कि ज़ात केवरिया इस दरवाजे पर हमें बैठा हुआ, खड़ा हुआ, रुका हुआ देखना चाहता है, इसलिए कि इससे बेहतर दरवाजा नहीं है, इससे उम्दा जगह नहीं है। जो किसी और दरवाजे पर जाकर बैठते हैं वो पशिमान रहते हैं, नादिम रहते हैं, उन्हें वो दरवाजा छोड़ना पड़ता है। अगरचे यहाँ फाते हैं, अगरचे यहाँ मादी दुनिया से दूरी है, लेकिन कुछ न होने के बावजूद भी सब कुछ होने का तसव्वुर इस दरवाजे ने दिया है। अजीज आने गिरामी, गनी उसे नहीं कहते कि जिसके पास माल ज्यादा हो, तवज्जो कर रहे हैं आप? गनी उसे नहीं कहते जो इसके पास माल ज्यादा हो, गनी उसे कहते हैं जो माल का मोहताज ना हो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अंतुम अल फुकरा व हुव अल गनी अल हमीद, तुम सब फकीर हो, अगर कोई गनी है तो अल्लाह की जात। अब अल्लाह हदीस कुदसी में कहता है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाकियात को अपनाओ, अल्लाह के अखलाकियात को इख्तियार करो। अल्लाह करीम है, करीम बन कर दिखाओ। अल्लाह कहार है, दुश्मन खुदा पर कहर ढा कर दिखाओ। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, अपने अहबाब और अपने दोस्तों के ऐबों को छुपा कर दिखाओ। परवरदिगार आलम अखलाकियात को, अपने अखलाकियात को चाहता है कि मेरी मखलूक अपनाए। अजीजाने गिरामी, अल्लाह समद है, बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। और उसकी समदियत की एक दलील यह है कि लम यलिद व लम यूलद। ये लम यलिद व लम यूलद दलील समदियत है परवरदिगार, इसलिए कि जो बाप होता है या बेटा होता है वो मोहताज होता है। ये रिश्ते इंसान को मोहताजी की तरफ लेकर जाते हैं। शायद परवरदिगार आलम को यह सिफत समदियत इतनी अजीज थी कि उसने हर अच्छी चीज नबी और आले नबी को अता कर दी। लिहाजा परवरदिगार किबरिया ने, परवरदिगार आलम ने सरकार के बारे में भी यही फरमाया, वमा मुहम्मदुन आबा अहद मिन रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तुम में से किसी का बाबा नहीं है। या अल्लाह तेरा कलाम देखें या फातिमा का बाबा होना तारीख में देखें, तेरा कलाम ये कह रहा है ये किसी के बाबा नहीं है, मुशाहिदा ये कह रहा है कि ये सैयदा के बाबा है। तो इस मसले का हल ऐसे ही निकलेगा कि हमने इन्हें किसी का बाबा करार नहीं दिया। अगर ये फातिमा के लिए खड़े हो रहे हैं तो बाबा के रिश्ते से खड़े नहीं हो रहे हैं, मोहम्मद के रिश्ते से खड़े हो रहे हैं, रिसालत के रिश्ते से खड़े हो रहे हैं। हत्ता इनके यहां अगर रिश्तों की पासदारी है तो वो भी रिसालत की बुनियाद पर, या अगर नवासों को अपने शाने पर बिठा रहे हैं तो ये रिसालत का हिस्सा है, ये नाना और नवासे का रिश्ता नहीं है। अलबत्ता किसी और के ऐसे नवासे हो तो लाकर दिखाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ज़ात-ए-किबरिया ने तमाम अजमतें सरकारे दो जहां के नाम कर दी।
मैं तमीदी बयान से गुजर रहा हूं, आपकी मोहतरम समातें मेरे साथ हैं। परवरदिगार आलम ने यह तय किया हुआ है कि जहां अजमत है वहां सरकार का नाम है, जहां अजमत है वहां नबी का नाम है। और अगर नबी पहचानने हैं तो नबी जैसे से पहचाना जाएगा। नबी को पहचानने के लिए अली मिजाज चाहिए। अली बताएंगे कि नबी कैसे हैं। फर्ज कीजिए कि एक चौराहे के ऊपर, एक चौराहे पर कोई इंफजार हो, कोई धमाका हो और खबर फैलने लगे कि दो बड़ी गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कुछ लोग मिले और वो ये कहें कि हमने बहुत से लोगों को जख्मी देखा है। अब मैं क्या करूं कि जिस मुल्क में रोजाना यही मिसालें हों, तो मेरे पास भी देने को इसके अलावा मिसाल नहीं है। कुछ लोग देखकर आए, कहने लगे कि हमने दो बड़ी गाड़ियों को टकराते हुए देखा, उसमें इतने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हैं, मिसाल के अलावा कुछ नहीं है। एक और साहब मिले, कहने लगे नहीं मरा तो कोई नहीं, जख्मी कुछ थे। तीसरा फर्द मिला, कहने लगे ना जख्मी थे ना मरने वाले थे, दो गाड़ियां जरूर खड़ी थी। चौथा फर्द मिला, कहने लगा कि वहां तो कोई गाड़ी भी नहीं है, रास्ता खुला है, सवारियां जारी हैं, सफर अपना जारी किए हुए हैं। वाकया तो एक है मगर ये रावियों में इख्तलाफ क्यों है? तवज्जो कर रहे हैं। एक रावी कुछ कह रहा है, दूसरा रावी कुछ कह रहा है। अजीजाने गिरामी, हमें सरकार की 23 बरस की नबवी हयात किससे लेनी है? तमाम असहाबे पैगंबर का मकाम बुलंद, उनके पैरों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। मौलाए कायनात से ज्यादा कोई सहाबाए किराम की अजमत को नहीं बयान कर सकता था। पूरे नहजुल बलागा में सरकार के सहाबाए किराम पर मौला अली ने पूरा खुतबा इरशाद फरमाया। सारी दुनिया अल्लाह की तारीफ अल्लाह की आयात के जरिए से करती है। आसमान को देखा, ये नील गूं आसमां, ये बुलंद और बाला अल्लाह की एक आयत, तो अल्लाह याद आ गया, तारीफ होने लगी, सुभान अल्लाह। जमीन की तब्दीलियों और रंगीनियों को देखा तो बेसाख्ता एक मुवाहिद की जबान पर सुभान अल्लाह तस्बीह परवरदिगार जारी होने लगी। चांद को मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरता हुए देखा तो देखने वाले ने तस्बीह परवरदिगार पढ़ी, सुभान अल्लाह। सूरज की कैफियत को और तुलू और गुरूब को देखा तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे। सारी दुनिया अल्लाह की तस्बीह अल्लाह की निशानियों से पढ़ती है, लेकिन अजीब रंग है, अजीब अजमत है सरकारे दो जहां की के परवरदिगारे आलम खुद अपनी तस्बीह पढ़ता है मोहम्मद के जिक्र के जरिए। यानी अगर अल्लाह अपनी तस्बीह पढ़े, भाई देखिए अपनी तारीफ करने के बारे में बहुत सारे बहसें हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। परवरदिगारे आलम भी अपनी तारीफ कुरान में कर रहा है, उसने बनाया तो बहुत कुछ उसने बहुत कुछ बनाया है, हम उसके बनाई हुई चीजों को, उसकी खल्क को गिन भी नहीं सकते, पहचानना तो बहुत दूर की बात है, हम उसकी तादाद को भी नहीं गिन सकते। मगर परवरदिगार आलम ने सब कुछ बना डाला, लेकिन जैसे ही इंसान को खल्क किया तो फौरन का ए अल्लाह तुझे मुबारक हो, एहसनुल खालिकीन हो गया। इंसान को बनाकर अल्लाह अपने आप को मुबारकबाद देता है। अब ये कौन सा इंसान है इसके बारे में गौर करने की जरूरत है। इंसान तीन तरह के हैं, इंसान मुबहम, इंसान कामिल और इंसान अकमल। इंसान मुबहम वो है कि जिसे अपना नहीं पता कि क्यों आया है, जो इबहाम का शिकार है, जो मुबहम जिंदगी गुजार रहा है, उसे नहीं पता कि दुनिया में आया क्यों है, उसे नहीं पता कहां रह रहा है, उसे नहीं पता कि कहां जाना है। लिहाजा मेरे मौला इमाम रिजा अलैहिस्सलाम
ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے, رحم اللہ امرا, اللہ اس پر رحم کرے, من علما, جو جانتا ہو, من عین الى عین فی عین, وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا شکار ہوگا, اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی, جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے, اسے کہاں جانا ہے اور کہاں رہ رہا ہے. بس جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے, اسے کہاں جانا ہے اور کہاں رہ رہا ہے, اسے پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا انتہائی پست جگہ ہے, اللہ نے اس پست جگہ پر رکھا ہی اس لیے ہے کہ تم بلند ہو سکو. بلندی پر رکھ کر بلند نہیں کیا جاتا, دنیا میں رکھ کر آسمان پر بلایا جاتا ہے. یہ دنیا اللہ نے قرار ہی اس لیے دی ہے کہ انسان یہاں سے اپنی تربیت کرے, مگر ذہن میں رہے کہ دنیا پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائی ہے, انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. بس جب اس غلط فہمی کا یہ شکار ہو جاتا ہے تو پھر یہ جائیدادوں کے, پھر یہ زمینوں کے, پھر یہ دولت کے نشے میں دنیا کی خاطر لڑنے کے لیے اور مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی, جو یہ جانتا ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے, دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے, تو پھر وہ مادی دنیا کی خاطر اور اس دنیا دنی کی خاطر اپنے اقدار اور اپنی تہذیب کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. عزیزان گرامی, وہ جو انسان مبہم ہے, جانور کو عربی میں بہیمہ کہتے ہیں. جانور کو بہیمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جانور کو نہیں پتا کہ آج اس کی رسی کس کے ہاتھ میں ہے, کل کس کے ہاتھ میں رہے گی, آج وہ زندہ ہے کل چھری چلے گی. جس کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہی نہ ہو اسے جانور کہتے ہیں, جس کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہو وہ بہیمہ ہے. اور اگر انسان بھی بہیمہ ہو جائے, اگر میں کہہ دوں تو شاید یہ کچھ اور مفہوم پا جائے, لیکن قرآن مجید نے کہہ دیا ہم نے انہیں آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں ہیں, ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں, ہم نے انہیں دل دیے یہ سمجھتے نہیں ہیں, اولائک کل انعام, یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بستر ہیں. بھائی قرآن مجید کتاب تحقیر نہیں ہے, قرآن مجید کتاب تحقیق ہے. قرآن تحقیق کرنے کی دعوت دے رہی ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جانور ہیں اور جانور سے بھی پستر ہیں, تو قرآن انسانوں کو ہی کہہ رہا ہے نا. تو خبردار, انسان نما کو انسان مت سمجھ لینا. ہر انسان دکھائی دینے والا انسان نہیں ہوتا, انسان کا معیار بدن سے نہیں ہے. اور قربان جائیے انسان شناسی پر مولا کائنات کے جملے پر. میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے بارے میں غور فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مردہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مردے وہ ہیں جن کی میتیں لیٹی ہوئی ہیں, کچھ مردے وہ ہیں جن کے میتیں گھوم رہی ہیں. ذالک میت الاحیاء, یہ وہ مردے ہیں جو زندہ دکھائی دیتے ہیں مگر میت ہیں. کچھ افقی میتیں ہیں, کچھ عمودی میتیں. گلی کوچے میں, شاہراہوں میں, بازاروں میں, اداروں میں دکھائی دیں گے, لیکن عزیزان گرامی ان کے ہاں انسان ہونے کے حوالے سے کوئی بھی رنگ و بو نہیں پایا جاتا. انسان مبہم, انسان کامل, انسان کامل, اور اس کے بعد ایک اور انسان ہے جسے انسان اکمل کہا جاتا ہے. یہ انسان کامل کون ہے؟ توجہ میں چاہوں گا, یہ انسان کامل کون ہے؟ برداشت کریں تھوڑا سا, یہ انسان کامل کون ہے؟ یہ انسان کامل اور انسان اکمل میں فرق اگر ایک جملے میں کہہ دوں, بھائی دیکھیے, سلمان فارسی ایمان کے آخری درجے پر اور دسویں درجے پر فائز ہے نا. اگر سلمان آخری درجے پر فائز ہے تو مولا سلمان کون سے درجے پر ہوگا؟ تو بس یہی فرق ہے انسان کامل میں اور انسان اکمل میں. سلمان کو انسان کامل کہتے ہیں, علی کو انسان اکمل کہتے ہیں. سلمان بھیجے وہاں پر. اب وہ انسان کامل, اب وہ انسان کامل کون ہوگا؟ وہ انسان کامل انسان مبہم کے لیے رہنما ہوگا. اور انسان اکمل کون ہوگا؟ انسان اکمل انسان کامل کے لیے رہنما ہوگا.
यहाँ किसी के शागिर्द नहीं होते, ये तलामिदल्लाह में से होते हैं, ये अल्लाह के शागिर्दों में से होते हैं। ये दुनिया में आते हैं अल्लाह अकबर तो माँ की गोद में कहते हैं इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल-किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब देकर भेजा गया है, मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। अज़ीज़ाने गिरामी, आपकी मोहतरम समातों के हवाले यहाँ रुक कर एक जुमला कह दूं, ये जुमले हजरत ईसा के हैं। और हजरत ईसा कुरान मजीद में कह रहे हैं वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूं जो मेरे बाद आने वाला है, उसका नाम अहमद है। तो ईसा तो माँ की गोद में नबी, और ईसा जिनकी बशारत दे रहे हैं वो 40 साल के बाद नबी। ये इंसान का पुराना दस्तूर है, ये इंसान की पुरानी कमजोरी है, ये अपना ऐप दूसरे पर डालता है, ये अपने आप को छुपाता है और दूसरे के ऊपर अपना ऐप डाल देता है। तवज्जो है ना बात, वो इंसान अकमल जो वहां से पढ़कर आया है, जो वहां से लेकर आया है। अल्लाह जब अपनी तारीफ करता है तो परवरदिगार आलम इनका जिक्र करता है। भाई मुझे चंद आयात पढ़ने दीजिए, फिर उसके बाद एक नतीजा भी, और अगर नतीजा पहले दे दूं तो कोई ऐब नहीं है। यानी मैं और आप अगर इनकी तारीफ करें तो गुलू शिर्क तौहीद ना शनास तौहीद परस्तों के तबसरे, और अल्लाह जब इनकी तारीफ करें परवरदिगार आलम इनका जिक्र करके अपनी तारीफ कर रहा है। अब जुमला सुन लीजिए, कुरान मजीद की आयत सुन लीजिए, परवरदिगार आलम इसी आयत करीमा के अंदर क्या इरशाद फरमा रहा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। हुवल्लज़ी वो बाबरकत ज़ात बासा फिल उम्मीयीन, जिसने उम्मीयों में रसूल मबूस किया। ये अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है बेसते पैगंबर के जरिए। मालूम यह हुआ कि नबियों की बेसत एक जानिब, आखिरी पैगंबर की बेसत की अजमत एक तरफ। हुवल्लज़ी, लहजा तो देखिए कुरान मजीद का, हुवल्लज़ी वो अल्लाह, हुवल्लज़ी। अब आयत देखिए, सूरह मुबारक है, जुमा है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वो अल्लाह जिसने ऐ हबीब तुम्हारे ऊपर किताब को नाजिल किया। ये वो अल्लाह कहने की क्या जरूरत है भाई, आप सुभान अल्लाह कह लीजिए, वो कह रहा है वो अल्लाह। अहले बैत से जुड़ने वाले लोग, पैगंबर से जुड़ने वाले लोग अल्लाह की वहदानियत से अलहदा नहीं हो पाते, और इनके फजाइल का बयान हो तब भी अल्लाह की हमद है, और इनके मसाइब का बयान हो तब भी अल्लाह की हमद। इसलिए कि अल्लाह ही ने तो ये साबित किया है, माशरे को दिखाया है, तारीख को दिखाया है, सफ़े पे उतार दिया है कि हमारी खातिर जीने वाले लोग इस तरह के होते हैं। वो इंतहाई मुसीबत में भी जबान पे शिकवा नहीं लाते। चलिए अपने जहनों को जरा कर्बला ले जाए। सलाम हो उन मुसाफिरान कर्बला पर जो दो मुहर्रम को कर्बला में दाखिल हुए। चार मुहर्रम को पानी बंद हो गया। अज़ादारों, सात मुहर्रम से पानी बंद नहीं हुआ था, सात मुहर्रम से पानी खत्म हुआ था, पानी चार मुहर्रम को बंद हुआ। जब शिमर का लश्कर आया तो इसने तराई पर अहले बैत के लगे हुए खैमों पर एतराज किया। 4000 का लश्कर है जो इसके साथ आया, कहता है ये खैमे तराई से हटाए जाए। लश्कर लेकर आगे बढ़ रहा है, उम्मुल बनीन के लाल ने जमीन पर अपनी तलवार से खत खींच लिया, किसी में दम है तो इसे फांद कर दिया। लश्कर आगे बढ़ रहा है, एक मर्तबा जनाब जैनब ने पैगाम भेजा, अब्बास लौटाओ।
मेरी जबान इस जरी के और इस बहादुर शेर के इस मंजिल शुजात के ऊपर कासिर है। शुजात जोरे बाजू के इजहार को नहीं कहते, हां कहते हैं। शुजात एहसासाते कल्बी को मारिफत से मगलूब करने को कहा जाता है। अब्बास वापस लौटा, जनाब फिजा से कहा कि अम्मा कहिए अभी खबरें खुश लेकर आता हूं। बस दूसरी मरतबा पलट कराई बीबी और आकर कहा अब्बास ज़ैनब कहती हैं तुम आते हो या मैं आता। तलवार ध्यान में रख दी, कब्जा दे दिया, किसी में जोरे बाजू की बुनियाद पर कब्जा लेने की जरूरत नहीं थी। ये तो अब्बास के पैरों में ज़ैनब के एहतराम की जंजीरें हैं, ये तो अब्बास के हाथों में हुसैन की मारिफत की जंजीरें हैं। चार मुहर्रम से पानी बंद हो गया, सात मुहर्रम से पानी खत्म हो गया। कर्बला की गर्म रेत, गर्म मौसम और हवा, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, अल अतश की आवाजें। और उस बच्चे के बारे में भी तो गौर कीजिए ना कि जो अभी माँ की गोद में है। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर के लिए कहा था अमाता रोना कैफा, तुम देख नहीं रहे कि ये कैसे मुंह खोलता है और बंद करता है। यह तलज्जा की कैफियत, अरबी जबान में आप रो रहे हैं, आपका गिरिया अदारी हो रहा है, हक है अहले बैत के गम में रोना। इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है कि पैगंबर रोजे आशूरा जनाब उम्मे सलमा के ख्वाब में आए, उम्मुल मोमिनीन अजवाज पैगंबर में से एक मोहतरम ज़ौजा पैगंबर ख्वाब मरा कर कहते हैं उम्मे सलमा मेरे हुसैन को मार दिया गया। उम्मे सलमा रावी हैं, वो कहती हैं कि मैंने पैगंबर को ख्वाब में देखा कि आपके सर पे अमामा नहीं था, पैगंबर की आवाज जमीन पर खत खींच रही थी, चेहरे पर गर्द लगी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। फरमाया या रसूलल्लाह आपका क्या आलम है, फरमाया मेरे हुसैन को कर्बला में प्यासा मार दिया, मेरे हुसैन को कर्बला में शहीद कर दिया। एक रिवायत नहीं है इमाम हुसैन पर रोने के हवाले से, मौजू नहीं है, मौका नहीं है इमाम हुसैन पे गिरिए के हवाले से। फरीकैन मुसलमानों की तमाम फिरकों की किताबों के अंदर एक रिवायत नहीं है, दसियों रिवायतें हैं। क्या फरमा रहे इमाम हुसैन अमा तरौना कैफा यतलज़्ज़ा, तुम देख नहीं रहे कि ये कैसे मुंह खोलता है और बंद करता है। अरबी जबान में यतलज़्ज़ा मछली की एक कैफियत को कहा जाता है। आप रो रहे हैं, आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, जब मजलिस में आवाजें बुलंद होती है ना इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर ऊंची आवाज में रोने वालों के लिए दुआ देते हैं, हमारे आइम्मा अहले बैत ने इमाम हुसैन पे रोने वालों के लिए दुआ दी है, ताकीद की है ऊंची आवाज में रोया करो। ये गिरिया अहले बैत की तरफ मुतवज्जे करेगा, अकदार और तहजीब की तरफ मुतवज्जे करेगा। अरबी जबान में मछली की एक कैफियत को यतलज़्ज़ा के उनवान से याद किया जाता है। मछली जब पानी से बाहर आ जाए, मछली जब पानी से बाहर आ जाए तो तड़पती है, जब उसमें तड़पने की सलाहियत नहीं रहती तो कभी दुम उठाती है कभी मुंह उठाती है, जब उसमें इतना भी दम नहीं रहता तो कभी मुंह खोलती है कभी मुंह बंद करती है। इस कैफियत को अरबी में यतलज़्ज़ा कहते हैं। इमाम फरमा रहे हैं तुम देख नहीं रहे कि ये कैसे मुंह खोलता है और बंद करता है। वो कैफियत कैसी थी, अज़ादारो शबे आशूर अल अतश की आवाजें आती रही और उधर खेमों में दुश्मन के खेमों में एक ऐसा फर्द है जो हुसैन के काफले को लेकर आया, उसका बेटा अली इब्ने हुर्रम, उसका गुलाम अब्दुल्ला,
अपने बाबा अपने मौला को खैमों के दरमियान चलते हुए देख रहे हैं, मुस्तरिब पा रहे हैं। आगे बढ़कर कहते हैं, बाबा क्या बात है? कहने लगे, ये आवाजें सुन रहे हो? ये आवाजें सुन रहे हो? ये किसकी आवाजें हैं? क्या ये हुसैन के खेमों से नन्हे नन्हे बच्चों की आवाजें हैं? वो क्या कह रहे हैं? कहा, वो इतने प्यासे हैं कि पानी पानी की आवाजें लगा। कहने लगा, तुम्हें पता है कि इन्हें कौन लेकर आया है? मैं इन्हें यहां तक लेकर आया हूं बेटा, मैं खुद को जन्नत और दोजख के दरमियान देख रहा हूं। अगर कल तक मैं यहां रह गया तो दोजख ही हो जाऊंगा, और अगर मैं यहां से वहां न गया तो मुझे जहन्नुम में भेजा जाएगा। वहां जन्नत है, यहां दोजख है। सर से अमामा उतार के कहने लगा, अमामा सर पे वो रखते हैं जो इज्जतदार हो। मैं हुसैन के सामने जा रहा हूं, मेरी इज्जत कहां रही जो औलादे जहरा को रुलाए? वो साहिब इज्जत कैसे हो सकता है? गुलाम ने बढ़कर कहा, मौला अपनी खिदमत का दौर था, आपके साथ रहा, आप मुझे हुसैन की खिदमत को ले चलिए। बेटे ने बढ़कर कहा, बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए। अब होर अपने बेटे और गुलाम के साथ आया है। नजारों इमाम हुसैन ने जैसे ही मेहमान को आते हुए देखा, अकदार और तहजीब कुर्बान हो इस घराने पर, फौरन आवाज दी, अब्बास आओ, हमारा मेहमान आ रहा है। अली अकबर बढ़कर इस्तकबाल करो, हमारा हुर आ रहा है। जब हुर करीब आए ना, रो रहे ना आप, जब हुर करीब आए तो एक बीबी खेमे से बाहर आकर कुछ कह के गए। इमाम हुसैन ने कहा, हुर तुम्हें ज़ैनब ने सलाम कहा। हज़रत उमर अल्लाह सर पीट लिया हुर इब्ने यज़ीद ने। मौला मैं इस काबिल कहां हूं कि अली की बेटी मुझे सलाम कहे? फातिमा की बेटी, नबी की नवासी, मौला मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। बेटे ने बढ़कर कहा, बाबा पहले मैं जाऊंगा। अली इब्ने हुर मरने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, शहादत का जाम नोश करने के लिए मैदान में रवाना हुआ। अज़ादारो आपने क्रिया कर लिया, दो जुमले सुन लीजिए। जब अली इब्ने हुर ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी और जख्मों से चूर घोड़े से गिर गए तो उन्होंने अपने बाबा को आवाज दी, बाबा हुर मेरी मदद कीजिएगा। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जिनके घरों में औलादे हैं, जिनके गोदों में बच्चे हैं, जो साहिबे औलाद हैं। अगर कोई औलाद इस हालत में अपने बाप को पुकारे, आप खुद बताइए कितनी जल्दी हुर पहुंचा होगा अपने बच्चे के लाशे पर। सुनेंगे रोने वालों के, जब हुर लाशे पर पहुंचा तो क्या देखा? हुसैन पहले से मौजूद है। अजर हुकुम अल्लाह, हुर के बच्चे के लाशे को अपने गोद में लिए बैठे। आगे बढ़कर हुर ने कहा, मौला ये गुलाम ज्यादा है। कहां हुसैन की आगोश, कहां गुलाम ज्यादा? इमाम ने फरमाया, नहीं, इसने अल्लाह की खातिर जान दे दी, इसने हमारी मवद्दत में कुर्बानी दे दी। और सुनो हुर, अच्छा नहीं है कि जवान की मैयत बाप उठाए। ऐ हुर, ये अच्छा नहीं है कि कोई जवान की मैयत, किसी जवान की मैयत उसका बाप उठाए। ये कहकर हुसैन ने हुर के बच्चे का लाशा उठा लिया और गंजे शहीदा में लाके रख दिया। मैं आप रोने वालों से सवाल करता हूं कि जब अली अकबर का लाशा उठाकर ला रहे थे तो कोई था जो हुसैन से ये कहता? आशूर के दिन से आज तलक करता है जमाना तुझे सलाम।